हो चुका हूँ और मम्मी ने मुझे दिया हुआ है नाश्ते में पोस्ते का हलवा, चाय, बिस्कुट। तो बाबू को फिट कराने में नहीं, ये गर्दन मेरा इतना टेढ़ा हो गया, इतना दर्द हो रहा है। हम उसका देख पाएंगे दर्द है। पेनलेस वाला भी आता है, पेनलेस वाला लगवा देते हैं ना, वो महंगा पड़ता है। इंजेक्शन लगने के बाद दर्द तो होता ही है। बाबू आपका काजल नहीं लगाता है तो नानी ने भर भर के काजल लगा दिया, पूरा हाथ में लगा लिया था काजल। नानी ने गंदा बना दिया बेटी को क्या? मम्मी काजल भर भर के लगाती है कि टोलती मम्मी, भयंकर युद्ध हो गया। हाँ, मम्मी बोलती है कि टोलती मम्मी लगाओ काजल, खूब लगाओ लेकिन रात में लगाओ बाबू। क्या रात रात लेकर हम लोग परेशान नहीं रहते थे क्या? हे गाइस, घर में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट पे ऑर्डर किया और बिलीव नहीं करोगे बस कुछ ही मिनटों में मेरे घर पे डिलीवर्ड हो गया। चलिए आइए चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मैंने मंगवाई हैं। तो गाइस काफी अच्छी पैकेजिंग के साथ ये मुझे डिलीवर्ड हुआ है और सबसे पहले मंगवाया मैंने ये टाटा टी, लिज्जत पापड़, फ्रूटी पीने के लिए, और ये मेरा पेस्ट खत्म हो गया, मैंने पेस्ट मंगवाया है, और नहाने के लिए डव साबुन, और ये न्यूट्रेला। सो गाइस इतनी चीजें मैंने मंगवाई है, आप सब लोग भी स्विगी इंस्टामार्ट पे ऑर्डर करके घर पे चीजें मंगवा सकते हो बस कुछ ही मिनटों में। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही मेरी जिम्मेदारी हो जाती है भैया पोछे लगाने की, झाड़ू लगाने की, क्योंकि मम्मी बाबू को मालिश करने में बिजी हो जाती हैं, किट्टो कुछ खाना वाना बनाने में बिजी हो जाती है, तो मम्मी उस काम में, किट्टो अपना उस डिपार्टमेंट में, और क्योंकि झुक करके थोड़ा सा झाड़ू पोछा में दिक्कत होती है तो मैंने अपने सर पे ले रखा। मुझे अच्छा भी लगता है झाड़ू पोछा करना, थोड़ा सा मेरा वेट का भी हो जाता है, और अपने घर को साफ सफाई करके मेंटेन रखना कौन नहीं चाहता, तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बार बार आप सब लोग कमेंट्स करते हो मेट रख लो मेट रख लो मेट रख लो, मैं क्या बोलूं भैया, ना मेरी बीवी चाह रही ना मेरी सासू माँ चाह रही, मेरी मम्मी आई तो वो भी मना कर रही हैं, तो कोई रखना ही नहीं चाह रहा। और एक्चुअली यहाँ पे मेट्स की बहुत प्रॉब्लम है, कोई टाइम से नहीं आता, मेन प्रॉब्लम है एक तो कम मिलती हैं और दूसरा क्या है इनकी ना टाइमिंग की बहुत इशू है, तो हम लोग अपने से ही काम कर लेते हैं, तो मम्मी यहाँ पे सारा चीज़ों का बेड वगैरह ठीक कर रही हैं, कपड़ों का तय लगा रही हैं, और मैं यहाँ पे पोछे मार रहा हूँ। तो आई होप कि ये वाला ब्लॉग आप सब लोग खूब एंजॉय करोगे, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब खूब ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। लव यू। धो चुका हूँ और मम्मी ने मुझे दिया हुआ है नाश्ते में पोस्ते का हलवा, चाय, बिस्किट और पानी, तो फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ कुछ देर के बाद। किटवानी का खाना लग गया है, अब मन नहीं करता खाने का, यहीं बैठ के खाने का मन करता है। एक तो बाबू को फिट कराने में नहीं, ये गर्दन मेरा इतना टेढ़ा हो गया, इतना दर्द हो रहा है। और किट्टो खा रही, तुम राइस स्टार्ट कर दी, राइस मना है ना, थोड़ा सा है ज्यादा लग रहा है, कभी कभी मन कर देता है। तो किट्टो खा रही दाल, और ये क्या है, ये क्या की सब्जी है, मेथी, मेथी सब्जी है। बाबू को इंजेक्शन लगवाना था आज, बाबू को इंजेक्शन लगवाना है, लेकिन बाबू को इतना ज्यादा दर्द होगा ना, मेरे को लगवाने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं लगवाऊंगी। अब मम्मी कितना डांटी है, लगवाना ही पड़ता है सब बच्चों को, लेकिन बहुत रोएगा, बहुत दर्द होगा। जब उस दिन उसका तबीयत खराब हुआ मुझे इतना रोना आया, और इंजेक्शन लगेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो बहुत ज्यादा दर्द होगी। कनेक्टिविटी तो हो ही जाती है, तुमसे बर्दाश्त होगा कि हमसे होगा, हम उसका देख पाएंगे दर्द। पेनलेस वाला भी आता है, पेनलेस वाला लगवा देते हैं ना, वो महंगा पड़ता है। इंजेक्शन लगने के बाद दर्द तो होता ही है, इंजेक्शन लगने दर्द तो होगा ही, चाहे पेनलेस लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, उसके बाद जो बुखार उखार होगा वो नहीं होगा, इंजेक्शन जब घुसेगा तब तो होगा ही। इतना बड़ा ऐसे भोग देंगे सीधे यहाँ पे जांघा में ना, कितना दर्द, तो भाई सबको गुजरना पड़ता है उस चीज से। नहीं, तुम भी गुजरी हो, मैं भी गुजरा हूँ, अपना याद नहीं है, लेकिन बच्चा हो गया ना, जैसे उसका दर्द मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता। मैं डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ, पूछता हूँ, मैं नहीं लगाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बहुत रहेगा, तुम मत देखना, हम
कराएंगे उसका। गोद में तो मैं ही ले रहूंगी ना। मम्मी को लेके चलेंगे ना तुम बाहर रहना, क्योंकि तुम नहीं देख पाओगी और हमें लग रहा है मैं भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरे को मन कड़ा करना पड़ेगा। नहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये जो होता है ना बहुत कड़क होता है। चलो खा लो फिर बात करते हैं। आप सब लोग कमेंट करते थे कि बाबू आपका काजल नहीं लगाता है, तो नानी ने भर भर के काजल लगा दिया। अरे मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बर्थडे के साथ? बेटे को ना एकदम नहीं है, कबाड़ जान साहब जठान है। जाने दो मम्मी, जान जान सो मम्मी, जाने दो, लगे रहने दो, लगे रहने दो, लगे रहने दो, जाने दो। ऐसे मम्मी ने लगाया थोड़ा सा ही काजल था, बाबू ने ऐसे ऐसे सोने में ऐसे ऐसे करके पूरा फैला दिया। काफी क्यूट है ये, होता है ऐसा भी होना चाहिए। पूरा हाथ में लगा लिया था काजल। नानी ने गंदा बना दिया बेटी को क्या? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, तुमको पसंद नहीं आ रहा है। जा मम्मी जाने जाने दो जाने दो, सोने दो। सोना तुम्हारी ना, जब आप बिजी होगा तब होगा। चाची तुमको क्या गिफ्ट दी है? फोन भी आ गया। जब किसी का क्या, वंदना भाभी का है। तो मतलब आज बाबू को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन हम लोगों ने मैडम को फोन किया क्योंकि आज संडे है, तो मैम ने मना कर दिया कि आज आप लोग मत आओ वैक्सीन के लिए, ट्यूसडे तक उन्होंने हमें टाइम दिया कि ट्यूसडे को आप सब लोग आना। किट्टो कहाँ चली गई? आज घर काफी कैसे वो उठ गया सब। मैं और किट्टो ना घर को अपने सजाते ही रहते हैं, कोई भी चीज़ गिरी हो उसको उठा के रख दो। तो एक तो हम लोग आज डर भी रहते यार कि बापू को लेके जाएंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए, और उसको वैक्सीन, एक्चुअली उसको वैक्सीन लगनी है। और हाँ पूरा हाथ में लगा लिया था काजल। नानी ने गंदा बना दिया बेटी को क्या? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, तुमको पसंद नहीं आ रहा है। जा मम्मी जाने दो सोने दो। सोना तुम्हारी ना, जब आप बिजी होगा तब होगा। चाची तुमको क्या गिफ्ट दी है? घर में काजल को लेकर के युद्ध चलता रहता है ऐसे। मम्मी काजल भर भर के लगाती है, किट्टो बोलती मम्मी भयंकर युद्ध हो गया। हाँ, मम्मी बोलती है, किट्टो बोलती मम्मी लगाओ काजल खूब लगाओ, लेकिन रात में लगाओ बाबू का, दिन में मत लगाया करो। रात में लगा तो सो गया तो कोई बात नहीं, दिन भर फैलाता रहता है। देखें अभी कितना पोछी है। कमेंट्स भी जो तो आ रहे थे, बाबू को काजल लगाओ बाबू को काजल लगाओ, और डॉक्टर बोलता है काजल मत लगाओ, किसकी सुने? भाभी का तू अपने बच्ची के गिफ्ट में। मम्मी आपकी बिटिया कह रही थी कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगा दर्द होगा बाबू को, दर्द तो होता है। मम्मी कहीं तुम्हें अखी माई है का, हम माई रहे तो हम लगवाए रहे। मम्मी तब क्या, रात एक दिन परेशान करता है बच्चा। नहीं अब तो पेनलेस वाला आ गया है ऐसा इंजेक्शन। मम्मी जब भूखी थी तो दर्द, 5,000 का इंजेक्शन है, मैंने पूछे हैं 5,000 में उसको फीवर भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा, मतलब जब तो उसको लगेगा इंजेक्शन तो ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। यहाँ सुई लग रहा है 10,000 5,000 में, एक पूछे 7,400, एक पूछे 10,000, एक पूछे 5,000, एक पूछे 55,000। फ्री में लगता है सुई? मम्मी यहाँ पे भी फ्री में लग रहा है, सरकारी में ही लगता है, प्राइवेट में फ्री में नहीं। अगर वो नहीं फ्री वाला लगवाएंगे ना, वो 3 दिन तक उसको बुखार रहेगा और रोएगा वो। हाँ कहाँ पे? प्राइवेट में, वहाँ भी 5,000 लगता है। वही किट्टो कह रही भैया हम अपने सरकारी में कराओगे तो आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा। वही किट्टो कह रही हम अपने बच्चे को रोते हुआ नहीं देख सकते भैया, हम वैक्सीन लगवाएंगे पेनलेस। कौन दिलाया? लेकिन नहीं बाबू रोएगा खूब। बाबू पेनलेस तो लगवाना पड़ेगा, तुम ना इसी बात कर रही हो यार, बच्चे वाले इंजेक्शन नहीं लगवाओगी उसको? उसको लगाया, पोलियो का सुई जरूरी है लगना। क्यों लगता है? इसीलिए जो वही रोग ना, जो अपलंग बच्चे हो जाते हैं, कुपोषण हो जाता है, सबसे दूर रहना है। तब एक दिन का दर्द सह लो, जिंदगी भर तो सही रहेगी बाबू की। सरकार लगवाए हो सही बात, चलो और अभी लगेगा पता है, फिल्म लगेगा, बूस्टर होगा 5 साल तक लगता। फिर उसके बाद फिर 10 वीक पे जाओगे, 6 वीक पे फिर 10 वीक पे जाओगी, ये लगता रहेगा 5 साल तक, बूस्टर होता रहेगा। बाबू को इंजेक्शन लगता रहेगा, हम रोते रहेंगे। रोता नहीं था क्या रात रात लेकर? हम लोग परेशान नहीं रहते थे क्या?
हाँ, ऋषभ को लगवा के लाते थे, ऋषभ रोता रहता, दवाई ला के लाते, दवाई पिलाते, दिन भर लेके बैठी रहती थी उसको। बच्चे एक दिन पूरा उस दिन हम भी मतलब छुट्टी कर लेते, जाते नहीं थे, मतलब ऋषभ इतना रोता था सबको परेशान करते, हम लोग एकदम परेशान हो जाते, लेकर दिन भर बैठे रहते थे। लेकिन जब बच्चे सो जाते तो फिर आराम रहता है, धीरे से सोना पड़ता था, उठा कि ऐसे यही लगता है ना जंगल में हाथ में जान में लग, दो टू लगेगा आज, अरे मुरी मैया रे बेटवा कमरे दूटे लगे इंजेक्शन, ऐसे जान में लगे हाथ में लगेगा। फाइनली डॉक्टर साहब से बात हो गई, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर मैम से बात हो गई, डॉक्टर मैम है वो, तो उन्होंने हमें बोला कि संडे आज नहीं बैठती हैं, मंडे उनका ऑफ होता है, और ट्यूजडे बोले कि 19 का डेट है, आप एक दो दिन आगे पीछे लगवा सकते, मतलब दो दिन मतलब पहले नहीं लगता बाद में लगवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है गाइज, मैंने एक जगह पूछा 10,000 रुपीज पेनलेस का बताया, एक जगह 7400 बताया, एक जगह 5500 बताया, लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल जहाँ बाबू का डिलीवरी हुआ था वो दूर पड़ता है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते, हम सोचते नियर बाई लगवा लेते हैं, लेकिन फिर किट्टो ने बोला कि मुझे भी डॉक्टर को दिखाना है, बाबू को भी जहां मतलब पैदा हुआ एक बार वहां भी दिखाना, और इसका बर्थ सर्टिफिकेट की भी बात करनी है, तो वहां मैम को फोन किया, मैम बोली 5000 रुपीज चार्ज लगेगा पेनलेस वाला, जिसमें बच्चे को मतलब 5% चांस रहता है कि उसको बुखार आए और रोए, बोले जब तक इंजेक्शन लगेगा तब तो रोएगा, उसके बाद फिर आराम लग जाएगा, तो मम्मी को भी लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग देख नहीं पाएंगे भाई साहब, हम लोग अपने बच्चे को मतलब हम लोग क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ना जरा सभी ना एं भी करे, वो हम लोग बिल्कुल एकदम वो हो जाते हैं कि भाई बाबू बिल्कुल ना रोए, हमारा बच्चा क्या, हमको किसी का भी बच्चा अगर तबीयत खराब होता है रोता है ना, तो हमको ना बहुत घबराहट होती है, पूछो मम्मी से जब कार्तिक जब बीमार रहता था उसको कैसे हम लोग रात रात लेकर परेशान रहते थे, हमारे घर में जितने पानी दे मम्मी काहे तो क्या होता है, तुम हम कर रहे थे ऐसे तो हमको दोनों लोग बोले अरे पकड़ो मम्मी को उचकी आ रहा तू, मम्मी और ये दोनों कह रही है तू नटंकी बाज हो खाना खाए में, और अपना जब आ रहा है चावल खाते हाँ और क्या, हम चावल वंदना दीदी को पता है, उनसे पूछो हम जब खाते तो उनको पता है कि हमको अटकता जरूर है, इंसान को तब एहसास होता है जब खुद पे बीतता है, अब मुझे हुआ तो मम्मी चावल बनाना बंद करके चावल खाने लगी है, आप भी बंद करो, हम क्या बंद करें, हमारा मत गिना करो, एक लड़के का बाप हो गए हमें क्या दिक्कत है, शादी हो गई हमें काहे की टेंशन है भैया। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दुलार इसे जरूर दीजिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।